नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में पीपल का पत्ता देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हम सभी लोग अपने सपने में पीपल से जुड़े कई शुभ और अशुभ सपने देख सकते हैं। किसी को सपने में पीपल का पेड़ दिखाई देता है तो किसी को सपने में पीपल का पौधा दिखाई देता है। इसी तरह से दोस्तों, कई लोगों को सपने में पीपल के पत्ते दिखाई देते हैं और तो कई लोग अपने सपने में पीपल का पेड़ भी देखते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम सभी लोगों को अपने स्वप्न में पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़, इन सभी चीज़ें अलग अलग तरह से दिखाई दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने सपने में पीपल का पत्ता देखते हैं तो यह सपना आपके लिए किस बात का संकेत करता है, क्या यह सपना आपके लिए शुभ संकेत करता है या फिर आपके लिए अशुभ संकेत करता है, आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लाते रहें। दोस्तों, सपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में पीपल का पत्ता देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत होता है। सपने का मतलब यह होता है कि आपको आने वाले समय में कई से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में आपकी उन्नति हो सकती है, आपके जीवन में जल्द ही सुख समृद्धि आ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने अपने सपने में पीपल का पत्ता देखा है तो ये सपना आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहें।